हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मलेरिया ज्वर, मलेरिया के बुखार को पूरी तरह से ठीक करने का घरेलू नुस्खा बताऊंगा। जड़ी बूटियों से आप मलेरिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा दोस्तों। इसका इस्तेमाल करके मलेरिया बुखार को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दो नुस्खे बताऊंगा। जो भी सुविधाजनक हो उसका इस्तेमाल करके आप मलेरिया को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको लेना है काली तुलसी और बबूल के पत्ते। काली तुलसी के 4 पत्ते लेने हैं और बबूल के पत्ते 4 लेने हैं। चार चार पत्ते ले करके 1 ग्राम अजवाइन लेना है। सबको जल में डाल करके उबाल कर, थोड़ा सा उबाल लेने के बाद शीतल करके, ठंडा हो जाने पर इसको सेवन करने से बच्चों का मलेरिया ज्वर, किसी भी प्रकार का बुखार हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा नुस्खा है दोस्तों, नीम की छाल लेना है। नीम हर जगह, पूरे भारत में हर जगह उपलब्ध हो जाता है। नीम की छाल लेना है और इसका काढ़ा बना लेना है दोस्तों। नीम की छाल को पानी में रख कर उबालना है। काढ़ा बन जाने के बाद धनिया और सौंठ का पाउडर थोड़ा थोड़ा, मान के चलिए 2-2 ग्राम धनिया पाउडर और सौंठ पाउडर, सौंठ का चूर्ण मिलाकर पीने से विषम ज्वर, मलेरिया का बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। ये पूरी तरह से नेचुरल है, आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, मलेरिया बुखार को पूरी तरह जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।